पर आपकी कितनी जो है वो सैलरी या आपकी कितनी इनकम है पर मंथ, वो लोग जो है वो जानना चाहते हैं। मैंने रिसेंटली FSC प्री मेडिकल कम्प्लीट की है पंजाब कॉलेज से, और साथ साथ मैं मोबाइल सेल परचेज का काम भी करता हूँ, आईफोन्स को रिपेयर करवा के सेल करता हूँ, तो इसमें 60-70 से 80 तक मेरी इनकम है मंथली। और लाहौर में सब जानते होंगे, फीस सेंटर मार्केट है, वहाँ पे मेरा ये चलता है काम, सब जानते हैं मुझे वहाँ। बिल्कुल। और ये इतने अरसे में जो आप लोग इधर उधर जा रहे थे, तो क्या आप सब लोगों के व्लॉग्स देखते थे और आपको पता चलता था कि हमारे बारे में इतनी झूठी झूठी बातें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं? मैंने हम YouTube देख रहे थे और आपकी वीडियोस भी देख रहे थे और कमेंट्स हम दोनों मिल के पढ़ रहे थे। लोगों को असल में जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो पता नहीं होती, लोग उनको मिस गाइड करते हैं, तो जिसकी वजह से वो ऐसे कमेंट्स और ऐसी राय देते हैं अपनी। हमने सबकी वीडियोस देखी हैं और साथ साथ उनको मॉनिटर भी किया है, और हम दोनों तो हंसते थे कि ऐसे कमेंट्स ऐसा कुछ तो है ही नहीं, तो लोगों के देखते थे हम। लेकिन उनकी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने की वजह से आपको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि खुदा ना खास्ता 2006 में आप पैदा हुई, लेकिन वो उन्होंने आपकी 2-3 साल आगे बढ़ा के एज लिखी हुई थी, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स में आपकी एज कम आ रही थी, और यानी कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट में बिल्कुल सही वो चीज़ आई है। जी बिल्कुल ठीक है जी। तो दुआ, इस वक्त आपके पेरेंट्स भी डेफिनेटली आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आप उन्हें क्या कहना चाहती हैं? कैमरा आपके सामने, आप कहिए उनको। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हमने इस्लाम के मुताबिक शादी की है, ठीक है, मैं वो अगर मानते हैं कि मुझसे गलती हुई है तो मैं उनको सॉरी भी कहती हूँ, बस मैं ये चाहती हूँ कि वो अपना दिल बड़ा करें और मुझे और ज़हीर को एक्सेप्ट करें। मैं मानती हूँ वो भी तकलीफ़ से गुजरे हैं, मैं भी गुजर रही हूँ, बस वो अपना दिल बड़ा करके मुझे और ज़हीर को एक्सेप्ट कर लें। और जो ये लोग गलत बातें फैला रहे हैं ना कि वो गैंग है वगैरह, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़हीर की फैमिली बहुत अच्छी है, ज़हीर भी बहुत अच्छा है, उन्होंने मुझे बहुत खुश रखा और मुझे एक्सेप्ट किया। और ज़हीर, आपको आंटी आपको पिज्ज़ास वगैरह मंगवा के दे रही हैं? जो मैं मांगते हैं वो मुझे फौरन ला कर देती हैं, बस मुझे इन चीज़ों की आदत है तो मैं वही खाती हूँ। और मुझे एक और बात पता चली दुआ के बारे में कि ये पराठा अव्वल तो खाती नहीं है, और अगर खाए तो पहले वहाँ से आई हो। तो आप अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर जो कहना चाहती हो, कैमरा आपके सामने, लोग आपको सुन रहे हैं, आप बताओ। सबसे पहली बात तो ये कि ज़हीर को और ज़हीर की फैमिली में से किसी को भी ये पता नहीं था कि मैं इस तरह आ रही हूँ, और मैं खुद ही आई हूँ अकेली, मैंने खुद टैक्सी करवाई रिक्शा से पहले अपने घर से लेकर वहाँ, उसको कहा कि मुझे टैक्सी स्टैंड पे छोड़ दें, उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ा, फिर मैंने वहाँ से खुद टैक्सी करवा के खुद लाहौर में अपनी मर्जी यहाँ पे मैं